वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आज मैं बताना चाहता हूं कि मैं मैग्नेट चार्ज करके दिखाऊंगा पूरी वीडियो में, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता हूं कि मैं यहां जो दिल्ली से माल भेजता हूं, अब आपको कोलकाता से माल मिलेगा। मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, उनसे मिलके और साथ में किसी ऑफिस में है वहां से आप माल ले सकते हैं। मैं यहां से नंबर दूंगा, वहां आप जाकर ले सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर यही रहेगा जो मैं नंबर डाला हूं अभी, यही कॉन्टेक्ट नंबर है। लेकिन आपको वहां पे मैग्नेट चार्जर मशीन मिल जाएगी कोलकाता से, कि 8 नंबर बिंदु बसनी स्ट्रीट मोमिनपुर खिदिरपुर मेरा एड्रेस है। आप वहां पे जाएंगे 8 नंबर बिंदु बसनी स्ट्रीट मोमिनपुर खिदिरपुर, या फिर 11 नंबर मेहर अली रोड मोमिनपुर। अब इन दोनों में से एक ही जगह, दोनों साथ साथ है, इस रोड के इधर का इसका इधर है, बीच का जो मकान है, तो दोनों तरफ से उसका एड्रेस है। मैं दोनों एड्रेस बता रहा हूँ आपको। तो आप बंगाल से भी यहाँ जाके मैग्नेट मशीन चार्जर खरीद सकते हैं और चार्जिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, बांग्लादेश में अगर आपको लेना है तो मैं मेरे ही नंबर पे इस पे कॉल करेंगे और मैं वहां का कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, जो हमसे हमारी बात हो गई है, आप वहां से माल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बांग्लादेश से होना चाहिए, दिल्ली से, बंगाल से, कलकत्ता से नहीं होना चाहिए, ठीक है, बांग्लादेश का होना चाहिए। अगर बांग्लादेश से आप लेना चाह रहे हैं और मेरे को कॉल कर रहे हैं, आपको आने में दिक्कत हो रही है, पूछ रहे हैं बार बार कि मैं ऐसा कुछ बता दिए जिसको यहाँ पे आप जानते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि मैं बांग्लादेश में एक बंदे का नाम नंबर दूंगा जो मशीन लेकर गए हैं और वहां से मेरा मशीन बेचना चाहते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट ले सकते हैं। मैं उनका नंबर दूंगा आपको, आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों चीज बताना था आपको, बता दिया। बांग्लादेश में भी खरीद सकते हैं, दिल्ली आने की इंडिया जरूरत नहीं है, और कोलकाता से भी खरीद सकते हैं, कोलकाता से दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्स के लिए आएंगे आप, कोर्स के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए आ सकते हैं। मैग्नेट चार्जर मशीन लेना हो तो आप वहीं से लेंगे, ठीक है। और अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बांग्ला में एक बार बोल देते हैं, दादा यदि अपने बांग्लादेश थी के आचिन ताले अपने यदि मशीन चाहिए मैग्नेट चार्जर मशीन ताले बांग्लादेश थी के ही नीते पारबिन अमी नंबर दिवो ओखनकार नंबर जे आचे जे दादा ओखने आचेन ওখানকার নম্বর দিব আমি ওখান থেকে নিয়ে দিবেন আমার মেশিন নিজের মেশিন থাকবে কিন্তু সব থেকে ভালো খারাপ নেই অন্য যে মেশিন সেল করছে ওর থেকে ভালো মেশিন আছে আর যদি কোনো প্রবলেম থাকবে তাহলে আমি বসে আছি কোনো টেনশন নেই আর আগর কলকাতা থেকে নিবেন তাহলে কোল মেশিন স্ট্রিট মোমিনপুর খিদিরপুর কলকাতা 27 আমার এড্রেস আছে আমার দাদা ওখানে থাকবে আর 11 নম্বর মেহের আলী রোড মোমিনপুর খিদিরপুর एड्रेस अच्छे दो एड्रेस एक ही अच्छे अपने पासे पासे अच्छे मतलब एक ही बाड़ी ये रोड ते ये नाम नंबर ये रोड ते ये नंबर दो नंबर ते जो जिते पर एक ही बात अच्छे ताले अपने आसुन कोलकाता ते आसुन निये जान देखोन चार्ज करान अपने जो चार्जर मैग्नेट अच्छे ताले उखने वो दिन जे अमर दादा अच्छे वो चार्ज करे अपने दिवेन टाका दिते होवे चार्ज करे दिवेन भालो करे चार्ज करे दिवेन ताले कोलकाता थे बांग्लादेश थे के जो जगह पे नीते पारबेन ওখান থেকে নিতে পারেন, দিল্লি আসার কোনো দরকার নেই। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু সঞ্জয় ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার। আর আজ ये ম্যাগনেট থোড়া अलग है और इनसे बारे में कईयों ने अभी वीडियो नहीं डाले और मैं पहली बार वीडियो डाल रहा हूँ और इसके मैग्नेट चार्ज नहीं है और इसको चार्ज करके भी दिखाएंगे कैसे चार्ज होगा, पर इसे समझना पड़ेगा पहले आपको। ऐसे नहीं कि आप जिस मैग्नेट को चाहेंगे इधर से निकाल लिए और प्लस दो ठीक है, ये देखो ये जाएगा इस तरह से, पढ़ो ये दोनों अलग अलग हैं। अब मान लीजिए मैंने इसे मिक्स कर दिया तो आप कैसे इसे एडजस्ट करेंगे, किस तरह से समझेंगे कौन सी कहाँ पे लगेगी, तो इसके लिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ। निकालना कितना आसान है, देखो ये मैग्नेट की जो अलग अलग जो गैप में है, ये जो इधर से मैं धकेल रखा हूँ, तो ये गैप को कैसे धकेलना वो देख लीजिए। इस पर हम रखेंगे इस तरह से ये निकल रहा है, देखो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है, ठीक है। अब हम इसे निकाल दिए लेकिन ये पता नहीं चला कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये अभी लगाते समय कौन सी कहाँ लगेंगे ये जानना जरूरी है, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे, चार्ज किया हुआ माल खराब कर देंगे। मुझे आपको सिखाने के कारण ये है कि आप जब चार्ज करके लेके जाओगे तो लगाओगे कैसे, और मैग्नेट जो हम चार्ज करने के लिए बेचते हैं
वो दिक्कत आ रही है। कई लोग ये कहते हैं मैंने बना कर दिया और वहाँ पे जल जा रही है, ये सब ये लगाने के कारण है। अभी बांग्लादेश से जो फोन आ रहा है कि मशीन जो लाए थे उसमें चार्जिंग करने पे जो हम जो फिट करके दे रहे हैं वो सही चलती है, जिसको चार्ज करके देते हैं और वो ले जाकर जो चार्ज करते हैं वो कहते हैं कि मोटर जल जा रही है। तो ये यही कारण है। मैंने उन्हें बोला कि आप उसे समझाइए कैसे लगाना है, तो मैं आपको बांग्लादेश के लिए बारे में बता रहा हूँ कि लगाना कैसे है, और इसके बाद 1000 वाट की उसे भी बताऊंगा कि लगाना कैसे है। 1000 वाट की हो या 900 वाट की हो, ये भी 1000 वाट की है लेकिन इसका कंडीशन अलग है। और आपके यहाँ जो जल रही है मोटर उसकी जो आपने फोटो दी थी, फोटो में ऊपर में देखिए फोटो आ रही है, उसमें कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगा। पहले आप चार्ज में अगर आपने चार्ज करा कर लेकर गए हैं तो ये किस तरह से लगाना वो जान जाइए, या अंदर है कैसे वो जान जाइए। देखिए टेस्टर दो, जो चार्ज करके आपको खुद दे रहा है वो अगर लगाता है और चलाता है तो बिल्कुल सही चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं लगा रहा हूं तो नहीं चल रहा है, आपने चार्ज करके लेकर गए थे। कंडीशन समझिए पहले। देखिए ये जो गैप है, ये जो गैप है ये कौन सा है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है वो भी जानना जरूरी है। बिस्किट में ये देखिए ये 3 है ना, और ये देखिए क्या है, मैंने इसे लगाया ये पॉजिटिव है, इधर लगाया इसी को पलट दिया ये निगेटिव है। तो आपको तो ये कंफ्यूजन हो गया ना कि यही चीज कहाँ पे लगाऊं किधर लगाऊं, ठीक है। तो ये निगेटिव पॉजिटिव, ये भी ये देखिए ये निगेटिव है, इसी को पलट दे तो ये पॉजिटिव है। तो कंफ्यूजन है कि कैसे लगाऊं, तो पहले आपको यहाँ पे समझ जाइए आप कि ये जो गैप बना हुआ है ये एंगल वाला, ये गैप ये गैप ये गैप ये गैप ये गैप जितने भी गैप है उसके अंदर में क्या लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा ये वाला देखिए, ये दिख रही है, ये क्या है निगेटिव, निगेटिव है। इधर से भी चेक करेंगे ये भी निगेटिव है, मतलब ये दोनों साइड निगेटिव है। इसी मैग्नेट के अगर ये मैंने निगेटिव चेक कर रहा हूँ तो अगर इसी मैग्नेट को ऐसे चेक करेंगे तो इधर पॉजिटिव है, मतलब इधर पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है, ये अंदर साइड वाला निगेटिव है, अंदर का निगेटिव है, तो इधर का पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये निगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पे जो दिया हुआ दोनों साइड से इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो अगर मुझे किसी पे लगाना है जैसे ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, तो ये सब पलट देंगे, ये क्या है ये निगेटिव, इसे क्या है निगेटिव, अब ये इसी सेंटर पे लग जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से लग जाएगा। अगर इसी मैग्नेट को इधर लगाना हो तो इस तरह से लग जाएगा, क्योंकि इस मैग्नेट पे दोनों साइड निगेटिव पॉजिटिव है, सभी में होता है पर यहाँ पे कंडीशन बदल गया इसलिए आपको समझाना पड़ रहा है। जो गोल वाला जो मोटर था जो चौकोर वाली होती थी उसमें भी निगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन क्या है कि वो उसका गैप बना हुआ शेप बना हुआ आपको आराम से लग जाता है। यहाँ पे दोनों तरह का प्लेन कर दिया इसलिए लगाने में आपको कंफ्यूजन रहेगा समझने के लिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या समझाया, इधर का जो भी है ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, यानी दोनों एक साइड में एंगल में लगाना है, ये निगेटिव निगेटिव एक साइड, इधर वाला दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लगाना है एक साइड, ठीक है। तो अब इसे हम चार्ज करेंगे, अब डाउन का है या नहीं वो देखिए, कौन सा डाउन है कौन सा डाउन नहीं है, ये कितना है ये 700, ये कितना है ये 700, ये कितना है 700 है ना 800, ये देखिए ये देखो डाउन है, इसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए ये जो थोड़ा सा ये क्या है मुझे नहीं पता क्या है, देखिए ये देखिए इसको हम निकालेंगे, ये निकल गया, ये निकल गया है ना, और ये निकल गया, और इसे हम देखेंगे देखो कितना है 400 है ना, ये 400 जो आ रहा है इसमें चार्जिंग कम है। तो कहने का मतलब है इसमें जिसमें भी मैग्नेट कम है उसे चार्ज करेंगे, लेकिन आपको सबको निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे चार्ज करते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं अगर आपको इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता तो आप आइए संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन में, 100% सीखने की गारंटी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का किसी भी आइटम के बारे में जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कंपोनेंट्स लेना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप में डालिए, हम सभी सामान बेचते हैं। ये मैग्नेट तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन दूसरी जो 1000 वाट की 900 वाट की और ये 850 वाट की, ये सब मैग्नेट मिलती हैं और हम बेचते हैं।
रही बात वो एलईडी टीवी इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन सीखने के लिए, तो आप उसे भी सीख सकते हैं। ये अभी देखिए ये इन्वर्टर है, इसके देखिए आईसी अभी निकाल के रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए आईसी 83202 निकाल रखे है। आप इन्वर्टर की रिपेयरिंग भी सीख सकते हैं, कोई किसी भी तरह के रिपेयरिंग का सामान लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अभी चार्ज करके दिखाता हूँ और सारे पीस निकाल देता हूँ, पर इसे याद रखना पड़ेगा मैंने जैसे बताया था उसी हिसाब से, और इसे निकाल के दोबारा चार्ज करके ऐसे ही लगाना है। समझ में आ गया सबको? दोबारा लगा देगा ना? तो फिर से एक बार देख लो ये क्या है, माइनस है। अगर मीटर को इसी मीटर को इस तरह से पलट के चेक करेंगे तो ये प्लस भी दिखाएगा। तो ये कंडीशन मान लेना कि हम कट किधर रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं या नीचे रख रहे हैं, ठीक है? अगर मैं ऐसे रखा हूँ तो ये प्लस है, तो ये ऐसे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ऐसे प्लस है, ऐसे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ऐसे प्लस है, मतलब ये जो मैग्नेट का इस सिरा है, मैग्नेट का इस सिरा इधर से टच हो रहा है, तो उस तरफ बल्ब भी ऐसे ही होना चाहिए। मैं ऐसे ही कर रहा था, तुम्हें ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है? तो ऐसे ही चेक करना है और सबको निकाल के लगाना है। मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें अभी चार्ज करके इसमें अपने हाथों से लगाना है, ठीक है? तो चलो निकालो इसको, तीन निकल गया, निकालो एक एक करके निकालो। खिड़की में लगा हुआ ना, खिड़की में लगा ना, रोटर लगा हुआ ना, बता दिया क्या? रोटर नहीं है, मैग्नेट लगा हुआ है, हैं? मैग्नेट लगा हुआ है, चलो सर, मैग्नेट निकाल दे, आना दे, आना सर, सही है, इसमें नहीं निकला, हो गया, ये भी मैग्नेट है, पर ये मैग्नेट अगर किसी को खरीदना हो तो मुझे बताइए, क्योंकि किसी ने बोल के गया ये मैग्नेट जो है डबल पीस है और मैंने इसी से चार्ज किया हूँ, चार्ज बिल्कुल ओके हो गया है। ये अलग अलग मैग्नेट है, ऐसा मैग्नेट है, और आप इसे खरीदना चाहते हैं या आपके काम का है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि जिन्होंने मुझे दिया है वो कह रहे हैं सर हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, अगर किन्हीं को जरूरत है तो आप मेरे से खरीद सकते हैं, 500 किलो, ठीक है? तो ये आपके पास मैग्नेट की जरूरत है तो बताइए। इसका टूटना चाहिए बबलू, मिलेगी भी नहीं है दोबारा। मतलब है ये मैंने निकाल दिए और ये जो मैग्नेट है ये सारे मैग्नेट है, अभी निगेटिव पॉजिटिव क्या है आपको बिगर टेस्टर के पता नहीं चलेगा, तो टेस्टर लेना जरूरी है, आप टेस्टर खरीद सकते हैं, टेस्टर हम बेचते हैं। तो ये कैसे टेस्ट करेंगे, मैंने आपको दिखाया था, टेस्टर से चेक करेंगे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस सभी मैग्नेट में है और एक साथ सारा चिपक गया। अब ये कौन सा निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, या कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, ये कैसे समझ में आएगा जब तक आपके पास टेस्टर नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा। वो वाले मैग्नेट जो था वो क्या बोलते हैं, समझ में आएगा, लेकिन आप समझदारी है तो समझ में आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, एक मिनट, जैसे मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, ये टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सही से नहीं हो रहा, इसका मतलब इसके विपरीत है ना, इसमें होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन कितना चार्ज है, कौन कितना नहीं चार्ज है। जैसे अभी टेस्टर में मैंने बताया था आपको कि कोई कोई है कम चार्ज है और इसी के लिए आया है ये। अब ये इसके फॉल्ट क्या होते हैं, अगर मैग्नेट खराब होगा तो आपकी गाड़ी झटका लेगा, आपको पता चलेगा कि मैं सेंसर भी बदल दिया हूँ, कंट्रोलर बदल दिया हूँ, तब भी चलेगा नहीं, और ये कुछ दिन बाद मोटर भी जल जाएगी। ये देखो इसमें कितने आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, चलो इधर इधर देखो कम है, दूसरी तरफ चलो ये ठीक है, मान लेते हैं ठीक है, ये रख दिए, दूसरा देखो ये तीसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, ये भी ठीक है, ये देखो ये कम है, तो ये इसे चार्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है चार्ज करेंगे, अब ये तो चलो टेस्टर है तो मुझे पता चल गया कि ये चार्ज है, लेकिन यहाँ पे अगर पेचकस से चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा कम दिखा रहा है, ठीक है?
थोड़ा सा कम दिखा रहा है। अब इन रोटर के अंदर में तो आप चेक नहीं कर सकते, तो आपको निकाल के ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में क्या है जो आप चेक करेंगे, एक थोड़ा सा तो अंतर दिखेगा लेकिन ज्यादा पता नहीं चलेगा कि क्या क्या क्या, क्या फॉल्ट है। जैसे यहाँ पे लगा देने के बाद बाहर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, बाहर से आपको समझ में नहीं आ रहा तो निकाल के ही चेक करना पड़ेगा। ये टेस्टर बहुत जरूरी है। अब इसे हम चार्ज करेंगे, चलो चार्ज करो, पहले मशीन पे लगाओ चार्ज करते। अभी मैं बड़े वाले मशीन से चेक कर रहा हूँ, जैसे अभी बांग्लादेश से मुझे बोल रहे थे कि टेस्टिंग करने के लिए बताइए कैसे करना है। ये हमारी बड़ी मशीन है, छोटी मशीन भी है, बड़ी मशीन। अब बड़ी मशीन पे क्या है, इसे नीचे करो, नीचे करो। ये मैग्नेट मशीन है और ये हमारा लोगो लगा हुआ है, ठीक है। ये दूसरी है, मतलब इसके साथ में ये आपको मिलेगा, ये बड़े वाले मशीन मिलेगा, ठीक है। और इसे जोड़ने के लिए ये इसका चार्जिंग बल है और यहाँ जोड़ना पड़ेगा। प्लस को प्लस में जोड़ो, माइनस को माइनस में जोड़ो। नीचे तार है ना, लाल काली तार है, ठीक है। नीचे लाल तार, कोई काम नहीं है, सिर्फ ये प्लस माइनस तार को इसमें जोड़ना है। अगर आप उल्टा भी लगा दें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस टच नहीं होना चाहिए दोनों आपस में। लगा ये देखिए जो चार्जर है, दोबारा कवर लगा दी, ठीक है। ये दो तारे हैं, ये दो तार इसके साथ कनेक्ट करना है। ये मशीन क्या है, ये क्वाइल है जिसमें इसकी मैग्नेट पकड़ता है, मतलब इसके ऊपर जो भी सामान रखेंगे ना, एक मैग्नेट पकड़ के चिपक जाएगा। मान लो इस पर मैं लोहा रख देता हूँ, तो लोहा भी एक तरह से, एक तरह के चार्जिंग पकड़ने के लिए ना उसमें भी चढ़ जाएगा। लेकिन मैग्नेट मैग्नेट होता है, लोहा लोहा होता है। ऐसा नहीं कि आप लोहा को डाल के मैग्नेट बना देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन चार्ज कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे ये जो है ऑन ऑफ है, ये भी ऑन ऑफ है, ये मेन ऑन ऑफ है और ये नॉर्मल नॉर्मल ऑफ है, मतलब ये एम्पियर नहीं लेगा फिर, ठीक है। ये दो तरह का बटन है इसमें, इसे भी ऑन कर दिए एम्पियर के लिए, ये मेन है, मतलब ये सभी को बंद कर दिया, सिर्फ ये बत्ती जल रही है। इसलिए जल रही है ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड के अंदर में लाइट लगी हुई है, इसे भी बंद करना तो बोर्ड से ही बंद होगा। लेकिन इसको डिस्चार्ज करके रखना होता है, जैसे आपने खरीद ली है और ये अभी ऑन कर दी है, बात को समझिए आप। एम्पियर जो है उसमें चढ़ रहा है और ये वोल्टेज अभी आएगा, अभी आएगा, ये वोल्टेज आ रहा है, ये एम्पियर आ रहा है, मतलब कैपेसिटर है जो चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वोल्टेज बढ़ती जा रही है, ये वोल्ट है। आप मीटर से चेक नहीं कर सकते, मीटर देखिए 900 वोल्ट हो गया, जो मीटर में 900 वोल्ट नहीं दिखाता, 600 700 वोल्ट दिखाता है, है ना। ये 900 1000 1100 इतनी ज्यादा चला गया, ठीक है। तो चार्ज करते समय आपके मैग्नेट में कितना होना चाहिए, 900 में भी चार्ज हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप ज्यादा रखना चाहते, ज्यादा की जरूरत नहीं है, इसे आप कर लीजिए कम। अब ये कम नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले से कैपेसिटर स्टोर हो गया, तो इस कंडीशन में यहाँ पे पहले डिस्चार्ज कर दिए, अब ये डिस्चार्ज हो गया, फिर से जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये अब फिर से जो जाएगा, जो मैं यहाँ पे घुमाकर कम कर दिया था, अब वो 1200 जो गया था वो 1200 नहीं जाएगा, ठीक है। अभी देखिए कितना जा रहा है, देखिए इसके आसपास में रुक गया,
मैं इसे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। फिर भी नहीं हुआ पूरा, और बढ़ाऊंगा। इससे ज्यादा मत रखना। मेरे से ज्यादा घूम गया था। आप इतना ध्यान रखिए कि ये 1000 के करीब करीब ही रखना है। ये ज्यादा घूम गया था, थोड़ा सा कम करना था। 1000 से कम ही करके रखना है तो आपका सेफ्टी होगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है फुल चार्ज करने से आपका ज्यादा दिन उसका टाइम कम होगा। मतलब जो इसका वो चार्जिंग का जो सिस्टम है वो ओवर चार्ज होते रहेगा तो आप खराब कर देंगे जल्दी। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। वो एक्स्ट्रा बनाया गया है इसलिए कि कभी कलार कभी जरूरत पड़ जाती है कि जिस मैग्नेट में सही से नहीं पकड़ पा रहा तो उसको फुल वोल्टेज पे ही करना है। अब यहाँ पे बंद करने की बात है कि रखेंगे कैसे। जैसे आप इसको ये 900 करीब करीब चला गया, मैंने दोबारा कम कम किया था, ये 900 करीब करीब चल गया। अब ये अगर इसी कंडीशन से मैं इसे बंद कर देता हूँ तो ये गलत है। इस कंडीशन में अगर बंद कर देता हूँ तो ये गलत है। इसे हम चालू करके पहले डिस्चार्ज करेंगे। कि अभी देखो मैं बंद किया, चालू किया, वोल्टेज कितना है 800, क्योंकि पहले से डिस्चार्ज है। तो पहले से डिस्चार्ज इस तरह से रखेंगे तो वो कैपेसिटर सभी दिन डिस्चार्ज रहेगा, चार्ज रहेगा। डिस्चार्ज होगा क्योंकि उसमें डिस्चार्ज करने की सिस्टम है, लेकिन जल्दी नहीं होगा और ज्यादा दिन तक रहेगा। इस कंडीशन में कई बार जो तार खोल रहा है और वो पकड़ लिया हाथ में, तब क्या होगा। तो इस कारण से जैसे ये बंद करना है मुझे सेट को, तो ये 1 सेकंड बंद होने के बाद 0 हो गया, अब बंद कर दीजिए। तो ये हो गया बिल्कुल सही तरीका। आपको समझ में आ गया होगा कि इसे बंद कैसे करना है। अब ये बंद करने पे क्या हुआ, कैपेसिटर बिल्कुल 0-0 में है, 0-0 में है, तो वो बिल्कुल मतलब सही प्रॉपर सही तरीके से है ना, प्रॉपर सही तरीके से। तो ये कहने का मतलब है कि इस तरह से करना है। अगर आप अनदेखी करेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगी। जैसे हमारे दो में चार्जर में कैपेसिटर का फॉल्ट आ रहा है, वहां पे कैपेसिटर भेज भी दिया हूँ, फिर लगाया, फिर फॉल्ट आ रहा है। तो ये उनको लगाने की कमी है। आपको देखना है कि मैं चलाता कैसे हूँ, या आप घर की लाइट कैसी है, या डबल कुंडी वाली लाइट है जो चोरी वाली लाइट होती है, उस टाइप की लाइट है। तो ये सारी बात को समझना है। बाकी जगह तो खराब नहीं हो रहा। बांग्लादेश में जो दिक्कत आ रही है वो चार्जिंग की दिक्कत आ रही है, कि चार्ज करने जो करके दे रहा है, जो खरीद के लेके गया वो चार्ज कर रहा सही चल रहा है, जो उसने जिस दूसरे को चार्ज करके दिया उसका खराब हो रहा है। तो वो आपको समझना है कि किस तरह से कराएं। जिनको भी करके दे रहे हैं आप उनको बताइए। अब मैं इसको चार्ज करता हूं। चार्ज करने के लिए ये पहले टेस्टर लेकर ये मशीन चालू है और इस पे हम मैग्नेट रखेंगे। ये मैग्नेट है, ठीक है, ये बिल्कुल ज़्यादा चार्ज नहीं है। इसे हम रख दिए, ठीक है, इस तरह से रख दिए। और अब इसे इसका जो ये कवर है इसको हम रखेंगे। अगर कवर को इस तरह से रखेंगे तो एक ही चार्ज होगा, और यहाँ पे अगर गैप बचा हुआ है, जैसे एक मैग्नेट और रख देंगे तो दो चार्ज भी होगा। अभी फ़िलहाल मैं एक कर रहा हूँ। और अगर ये कवर खोल देंगे और ये पलट कर डालेंगे, मतलब जैसे ये जो वो है नट है इसको खोल के पीछे से लगा देंगे, तो ये यहाँ पे दो दो मैग्नेट भी चार्ज कर सकते हैं, मतलब चार मैग्नेट कर सकते हैं। तो अब इसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करना कैसे है, ये सिर्फ ये वोल्टेज है, बढ़ा दिया, अभी कम था मैं बढ़ा दिया हूँ, 1000 पार हो गया। ये छोटा मशीन है ना, और ये एम्पियर है। एम्पियर का डिस्प्ले नहीं लगा हुआ है, वोल्टेज का सिर्फ लगा हुआ है। और ये है जो थोड़ा सस्ता है, और ये मैंने क्लिक कर रहा हूँ, हो गया चार्ज। इतनी सी चार्ज करने का टाइम होता है, ठीक है। चार्ज होने के बाद इसे कैसे निकालेंगे, ये देखिए एकदम आसान तरीका है। इसे ये ऐसे करके निकालेंगे, ये देखिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये निकल के आ गया, कई बार उसमें चिपका हुआ रहता है तो उसको निकालना पड़ता है ना। पकड़ो इसको, निकलो, ये निकल गया। देखिए ये कितने हैं, 400 है ना, लेकिन प्लस है। अब ये प्लस है, इस तरह का प्लस ही होना चाहिए। तो ये इसको करने के लिए पहले मुझे यहाँ पता रहना चाहिए कि किस तरह करने से प्लस होता है, ऊपर से करने से प्लस होता है या फिर नीचे से करने से प्लस होता है, मतलब ऐसे करेंगे तो प्लस रहेगा या ऐसे करेंगे तो प्लस रहेगा। इसके लिए मीटर से आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर
अगर आपको नहीं इसे करना है, मतलब इसके द्वारा नहीं करना है, तो आप इसके बगैर भी कर सकते हो, लेकिन टेस्टर होना बहुत जरूरी है। कि किसी में कम होता है तो टेस्टर ही बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे सेंसर बीच में चेक कर रहे हैं और आपको यहाँ पे पूरा आ रहा है, लेकिन साइड में पूरा नहीं आ रहा, पर पेचकस लगाएंगे तो पूरा आ जाएगा ना, तो इसलिए कन्फर्म नहीं होगा, इसलिए टेस्टर की बात कर रहे हैं। पर चलो टेस्टर हटा दो, टेस्टर हटा दो। अभी मैं ये अंदाजे से बता रहा हूँ, देखिए ये चिपक रहा है ना, मैं इधर से टेस्ट करूंगा, दोबारा चिपकाऊंगा, अगर ये चिपक रहा है तो सही तरीके से हो गया, अगर नहीं चिपकेगा, जैसे ये नहीं चिपक रहा है, तो मैं मानूंगा कि उल्टा हो गया है ना। तो अभी इसी तरह से करना है, ये देखिए चार्ज किया हूं, है ना, अभी जो निकाल के ये चार्ज किया हूं, बिल्कुल ओके, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है ये इस तरह से चार्ज करना है, और इसके साथ का जो है ये देखिए ये है ना, ऐसे में उल्टा है और ऐसे में सही है। तो आप यहां से ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसके साथ का है, और जो रोटर में लगाएंगे, मैंने पहले आपको बताया था किस तरह से लगाना है, अंदर जो बाहर बाहर की साइड है गोल वाली एंगल वाली, उसमें एक तरफ से प्लस एक तरफ से माइनस ऐसे करके लगाना है। तो इस तरह से चार्ज करेंगे सारे को। अगर कभी इसमें रखने के बाद निकालने में जैसे दिक्कत हो रही थी, तो पहले आप क्या करेंगे, कोई एक पन्नी रख दीजिए, पन्नी रखने के बाद उस पर चार्ज कीजिए, तब आसानी से निकल जाएगा, ऐसे करना है। तो मैं ये चार्ज कर दिया हूँ, और ये छोटी बड़ी मशीन है, इसे डिस्चार्ज करने के लिए फिर मैं बता दूं, जब रखेंगे आप बंद करके रखना होगा, तो पहले इसे डिस्चार्ज करेंगे, जीरो हो गया, अब इसे बंद करेंगे, अब ये सही तरीके से बंद हुआ। अब इसका जो मोटी वाली तार है, जो ये वाली है, अगर कोई दोनों हाथ से पकड़ भी लेगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप घर में रखेंगे या जहाँ भी रखेंगे इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो ये इसमें हैवी पावर एम्पियर है और ये वोल्टेज भी 1000 वोल्ट से ज्यादा है, दोनों हाथ में अगर पकड़ लिए तो दिक्कत आ जाएगी, ये ध्यान के करके रखना है। और ये बड़ी मशीन है हमारी, इसके साथ में दोनों मिलेगी, और ये टेस्टर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो दूसरी हमारे बाहर दूसरी रखें, इधर आओ, ये है, ये सामने दिखाओ, सामने पकड़ो, लिखा हुआ है ना, ये पूरी मशीन का ये है, इसकी ये चार्जिंग की है, ये वाली मशीन है, इसके इसके साथ में बाहर कुछ नहीं है, और इसे भी खरीद सकते हैं आप, ये वाली जो मशीन है इसे भी खरीद सकते हैं, बाहर से कुछ नहीं है, सिंगल सिंगल है, इसके ऊपर जो आपने कवर रखेंगे जो लोहे का है, वो मैग्नेट को ढकने के लिए, वो अलग से मिलेगा, और टेस्टर भी इसके साथ में मिलेगा, इसके साथ में टेस्टर नहीं है, टेस्टर अलग से लेना पड़ेगा। ये सारे मशीन हम आपको इसलिए दिखा दे रहे हैं कि बार बार आप कह रहे हैं कि चलाकर दिखाइए, चलाकर दिखा दिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सारी मैग्नेट चार्जिंग करने के लिए पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर मैग्नेट चार्जर खरीदना है तो मैंने तीन तरह का दिखाया हूँ, तीनों तरह का इसी तरह चार्ज करना है, बंद करते समय जीरो करके बंद करना है, ये बात को ध्यान में रखना है। और जिसे भी चार्जिंग करके देते हैं, जो खरीद के लेके गए हैं, वो आप तो समझदार हैं, आपको समझाया गया, आपने समझ के कर लिया, लेकिन जिसको आप देते हैं चार्ज करके, उसे भी आपको बताना पड़ेगा, छुपाने से नहीं चलेगा, अगर आप बताएंगे नहीं तो वो दोबारा खराब बोलेगा और मुझे भी बदनाम करेगा, आपको भी बदनाम करेगा, इस बात को सोच के चलेंगे कि बताना पड़ेगा उसे कैसे लगाना है, इसीलिए मैं खुल के ये बताया हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो ये जिसको भी देंगे वो भी जलाकर लेकर आ जाएगा, और फिर मुझे कहेगा मशीन सही चार्ज नहीं करता। इस वीडियो को पूरी तरह से फैलाइए, और अगर आपको दोबारा चार्ज करना है तो हमारे पास लेकर आइए, चार्जिंग करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ऑफर है, मतलब आप चार्ज कराइए, सिस्टम में चार्ज करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।